हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 10 की ऑनलाइन स्टडी में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया यात्रा वृतांत। हिमालय की यात्रा अपन कर रहे हैं और हिमालय की यात्रा का अंतिम पड़ाव लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम हिमालय की यात्रा कम्प्लीट कर लेंगे और ये यात्रा मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सुखद आपको लगी होगी। तो शुरू करते हैं क्रमशः जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। मणि कौन? लेखिका मधु काकरिया की सह यात्री। अभिभूत हो अर्थात किसके प्रति? हिमालय के प्रति नतमस्तक होकर माथा नवाया। किसने? मणि ने। और नवाया का अर्थ है झुकाना। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर है। लेखिका क्या कह रही है कि इन नदियों का, पर्वतों का, झरनों का आदि का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, अर्थात ये हमें निशुल्क रोशनी प्रदान करते हैं सूर्य के रूप में प्रकृति, निशुल्क चंद्रमा ज्योत्सना प्रदान करता है, निशुल्क झरने पानी प्रदान करते हैं, हिमालय निशुल्क हमें पानी प्रदान करता है नदियों के माध्यम से। स्वयंपन जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई, उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ते उन पहाड़ियों का ख्याल आया। इसी बीच इनमें हम खोए हुए थे कि अचानक ख्याल आया उन पहाड़ी औरतों का, आत्मा के अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, अर्थात वहाँ पर कुछ फौजी छावनियाँ भी थी, अर्थात सैनिकों की छावनियाँ थी। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, यानी उस समय तापमान था -15 डिग्री, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। अर्थात लेखिका कहती है कि आपको यहाँ तकलीफ होती होगी, आप -15 डिग्री में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थात एक फौजी के जीवन को उन्होंने रखा। तो फौजी से सवाल करने के बाद वो फौजी हंस दिया, एक उदास हंसी, अर्थात उस हंसी में कोई मुस्कान नहीं थी। आप चैन की नींद सोच के इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं कि देश के सभी 140 करोड़ भारतीय हम आराम से चैन की नींद सोच के, इसलिए तो भारतीय सेना सीमाओं पर पहरा देती है। फेरी बैटुला, अर्थात नेपाली भाषा में कहा। किसने? जितेन नॉर्गे ने, अर्थात फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखिए एक फौजी सामने जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, अर्थात हम आज का दिन दे रहे हैं किसके लिए? तुम्हारे कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम खिंचने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है। लेखिका ने कहा कि महानगर के डार्क रूम में बैठकर कभी मेरे ये ख्याल नहीं आया कि हम नॉर्मली सर्दी से भी ठिठुर जाते हैं और साधारण सर्दी में भी हमारे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। ऐसे में पौष और माघ की कड़कड़ाती ठंड में भी ये जवान, ये जो भारतीय सेना है, वो जहाँ सिवाय पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, फिर भी तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए, अर्थात पता नहीं कितने पहाड़ी लोगों ने इन रास्तों को बनाने के लिए समय से पूर्व मौत को गले लगाया होगा। अर्थात पहाड़ों पर रास्ता बनाना इतना आसान कार्य नहीं है, कहीं ना कहीं तो किसी ने तो अपनी जान इन रास्तों को बनाने के लिए गवाई ही होगी। लेखिका ये कहना चाहती है। हाँ, आगे देखते हैं। मेरे लिए यह यात्रा एक सचमुच खोज यात्रा थी, एक रिसर्च था मेरे लिए, ये एक अनुसंधान था, एक शोध था। ये पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल मीनवाइल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर प्रस्थान करेंगे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, अर्थात लेखिका ने कहा है कि हम
हमें अब कटाव से वापस कहाँ जाना है, युमथांग जाना है, लायुंग जाना है, जिस सफर से हम चल चलते आए हैं उस सफर को वापस प्राप्त करना है। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर पिरुता और रोडाडेंड्रो के फूल। जितेंद्र बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। लेखिका ने कहा है क्या कि जितेंद्र नोर्गे ने मुझे बताया कि प्रियुता और रोडाडेंड्रो के ये फूल 15 दिन में इतने चरम सौंदर्य को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात ये इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि लगेगा कि पूरी घाटी, पूरी वादी, अर्थात पूरा हिमालय पर्वत सुंदरता से सराबोर हो गया है और जैसे सुंदरता फूलों की सेज सी सज गई है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, अर्थात जो हम जिस सफर से गए थे वापस आते वक्त अपेक्षाकृत रास्ते थोड़े चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची वापस लौटते समय, सफर पूर्ण करने के बाद तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिमशिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहुत अच्छी बात लेखिका ने कही है कि जब कटाव जैसे हिमशिखर हम देख कर आए, कटाव जैसा स्नोफॉल हम देख कर आए, वहाँ सुंदर बर्फबारी हम देख कर आए और जब वापस युमथांग आए तो धीरे धीरे अपेक्षाकृत सुंदरता में कमी आने लग गई। क्योंकि हम जब युमथांग जाते वक्त जब युमथांग में थे तो युमथांग मुझे काफ़ी आकर्षक लगा था, काफ़ी सुंदर लगा था, मगर अब मैं कटाव देख आया हूँ जो कि उससे भी कहीं अधिक आकर्षक, काफ़ी सुंदर है, तो कटाव की तुलना में युमथांग मुझे आते वक्त कैसा लगा, काफ़ी फीका लगा। और ये हमारे साथ होता है, मंजिल से कहीं अधिक होता है, मंजिल तक का सफ़र रोमांचित होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यात्रा करनी है वैष्णो देवी की, तो आप अपने घर से लेकर वैष्णो देवी तक जाते हैं तो वो रोमांचित सफ़र होता है। कब वो सफ़र आएगा, कब वो चीज़ें देखेंगे और कब हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, कब हम हेयर पिन बेंट लेंगे, कब हम और विभिन्न प्रकार के साधनों से वहाँ जाएंगे, एक रोमांच अंदर अंदर रहता है। लेकिन जब वैष्णो देवी का सफ़र आप पूर्ण कर चुके होते हैं और आपको पता चलता है कि घर अब वापस जाना है, तो ऐसे में आपको थोड़ा थोड़ा फीका लगता है, ये बात लेखिका ने कही है। हाँ, आगे है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा वापस आते वक्त, कहाँ युमथांग में एक सिक्किमी युवती थी, सिक्किम की युवती थी जो क्या बेच रही थी, चिप्स। एक युवती से मैंने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो युवती क्या उत्तर देती है, नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। इतना शानदार जवाब, अर्थात कोई आपको कहे कि आप राजस्थानी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, और कोई व्यक्ति बदले में ये कहे नहीं मैं ये सब तो हूँ ही हूँ, या हूँ या नहीं पता नहीं, मगर मैं सबसे पहले क्या हूँ, इंडियन हूँ, मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में मैं राजस्थानी हूँ, पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, सिक्किमी हूँ, तो ये अपने आप में देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो सिक्किमी नवयुवती ने क्या कहा, नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा लेखिका को, लगा और सभी को अच्छा लगता है। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, ये लाइन क्यों लिखी होगी लेखिका ने, ये बात क्यों लिखी होगी कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, जबकि सिक्किम तो भारत का राज्य है, अर्थात ये कब की बात है, अर्थात भारत के एकीकरण की बात। एकीकरण के समय, भारत का जब एकीकरण हो रहा था 1947 के बाद, अर्थात 1948 में भी चला, 1949 में भी चला और 1950-51 तक ये एकीकरण चला। उस समय एकीकरण के समय भारत है वो विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, तकरीबन 563 देसी रियासतों में भारत बटा हुआ था। आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे ये बातें SST के अंदर कि भारत है वो लगभग 563 देसी रियासतों में बटा हुआ था। उस वक्त भारत के एकीकरण का जिम्मा किसने लिया, लोह पुरुष जिनका नाम क्या है, सरदार, वास्तव में सरदार थे और असरदार भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जिन्होंने भारत के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को जिनकी जयंती आती है। हाँ, देखते हैं आगे कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों का एकीकरण किया और उस वक्त सभी राजा महाराजाओं को ये कहा गया था कि जो भारत में मिलना चाहते हैं वो भारत में मिल जाएं, स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्र हैं। जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान में मिल जाएं, आप स्वतंत्र हैं। और जो अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहते हैं वो भी स्वतंत्र है। ऐसे में कुछ रियासतें, अर्थात अधिकांश रियासतें तो भारत में मिल गई, लेकिन कुछ रियासतें अभी स्वतंत्र थी कि हम अपना अलग स्टेट, अपना अलग देश बनाएंगे। और ऐसे में जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। कौन सी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का तत्कालीन राजा कौन था? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने ये घोषणा की थी कि मैं स्वतंत्र रहूँगा, न तो भारत में मिलूँगा न ही पाकिस्तान में मिलूँगा, मेरा अगला अलग देश के साथ मैं जीऊँगा। तो 1948 को पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर पर आक्रमण हो जाता है। ऐसे में हरि सिंह ने भारत सरकार से कहा कि आप जम्मू कश्मीर को अपने अंदर मिला सकते हैं, अर्थात मैं भारत में मेरी रियासत को मिलाने के लिए सहमत हूँ। तो कहीं ना कहीं सिक्किम के आसपास के राज्य हैं वो उस वक्त भारत में मिले थे, तो सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, ये बात लेखिका ने इसलिए लिखी है। सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद एक रजवाड़ा का मतलब रियासत, एक स्वतंत्र रियासत थी। तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था, हर एक सिक्किम में भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। अर्थात अब क्या लगता है कि सिक्किम तो भारत का एक अभिन्न अंग, सनातन से रहा, सदैव से रहा है, ऐसा लग रहा है। जीप में बैठने को हुए कि पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अर्थात जीप में बैठकर हम आगे सफर पार करने वाले थे कि एक कुत्ते ने रास्ता काट दिया। तो मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं और ये चांदनी रात में भौंकते हैं। नेक्स्ट पेज निकालते हैं। क्या विस्मय और अलग शास्त्रियों से सुनते हैं इस बात को कि कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं? क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का द्वार बना जाती है? खैर, लौटती आत्मा में जितने भी जीते हमें रकम रकम की जानकारी देता रहा, रकम रकम काटता है, तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिसको गुरु नानक की फुटप्रिंट है, अर्थात पदचिन्ह है, गुरु नानक के पदचिन्ह है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से छोटे से चावल छिटक कर भाग गए थे, जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, अर्थात पौराणिक मान्यता की ओर लेखक ने यहाँ पर लेखिका ने इशारा किया है कि जितेंद्र ने बताया क्या कि गुरु नानक के हाथ से थाली से थोड़े चावल छिटक कर गिरे थे, इस कारण जहाँ जहाँ चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ अब चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसने दिखाई, मैडम यानी यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। यहाँ कहाँ? खेदू। इस एरिया को क्या कहता है? खेदू कहा जाता है। उसके बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? इसका सवाल है, लेखिका का सवाल है। उसने जीप निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदियाँ, झरने और भी बहुत कुछ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ जितनी भी हैं या प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं या प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, वो सब के साथ डॉक्टर का मतलब है टोटल, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। ये भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है कि हम प्रकृति को साथ लेकर चलते हैं और स्वरूप माना जाता है। कहने का अर्थ है कि
तीन महान भारतीय संस्कृति की विशेषता यहाँ जितेंद्र ने बताई है, लेखिका की इसे यात्रा बता है। तुम लोग पहाड़ों को जमीन नहीं बनाते, उसे लिख का दिल का नहीं बने, पहाड़ के जमीन आप बता सकते हैं और इन्हें गंदा करके तो पड़ जाएंगे। तभी कहो इतना सुंदर है, मैंने कहा मैंने कौन लेखिका, लेखिका कौन मधु काम कर लिया। लेखिका ने क्या कहा कि तभी ग्रंथों कितना सुंदर है, ग्रंथों नहीं पढ़ा गंतों कहेंगे। वर्तमान नाम क्या कहिए, गंतो, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का अर्थ क्या होता है, गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, पहाड़ों का राज्य, पहाड़ी प्रदेश। मैं कुछ पुष्टि की बात में चालू हो गया, मैडम यूं काम भी पहले पुष्ट स्पॉट नहीं था, अर्थात नेत्र स्थल के रूप में नहीं जन्म था। यह तो सिक्किम में, सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान, भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता, इसके शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटी के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं, अर्थात यूं खान जो एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, पर्यटक स्थल नहीं था, कब है जब सिक्किम भारत बना था, तब भारतीय सेना के कप्तान जिनका नाम क्या है शेखर दत्ता, उनके दिमाग में विचार आया कि यहाँ मात्र फौजियों को रखने से क्या होगा, पहाड़ी रास्तों पर, पहाड़ों पर कुछ रास्ते बनाते हैं, पर्यटक स्थल बनाते हैं ताकि सब लोग इन पहाड़ी सौंदर्यों को देख सकें। तब जाकर ये टूरिस्ट स्पॉट बन पाया, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थान की खोज अभी भी मनुष्य की अभी भी जारी है, और मनुष्य की इसी ऐसा खोज का नाम है सौंदर्य, सुंदरता, शुचिता, पवित्रता, पावन, ये सब अर्थात लगातार। कहने का मतलब है चलने का नाम ही जीवन है, रुकने का नाम मृत्यु है, और अनवरत आगे बढ़ने को ही हम सुंदरता कह सकते हैं। लेकिन ये बातें बताई हुई है, मन ही मन मैं कह रही थी जीव आगे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत के माध्यम से लेखिका मधु काकरिया ने अपने हिमालय की यात्रा का रोचक व सजीव चित्रण किया है और हमें निःशुल्क हिमालय की यात्रा करवाई है। अब आपको ये 15 से 20 पेज का जो पाठ है वो किस प्रकार से अपने दिमाग में रखना है कि एग्जाम में जो मूल्य आधारित प्रश्न आएगा, वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके दिमाग के विचार जाने जाएंगे, समझ गए आप, आपके दिमाग के विचारों को परखा जाएगा, प्रश्न ऐसे ऐसे बनेंगे कि क्या लेखिका के इस विचार से आप सहमत है, युद्ध खान में पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, कटाओ अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, और कटाओ का टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनना एक वरदान है, ऐसा क्यों कहा है, ये किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पाठ की समरी को बार बार पढ़ेंगे, बार बार इन वीडियोज को आप देख सकते हैं, और साथ ही आपको इस बात का पता होना चाहिए कि क्रम क्या है। देखिए क्रम है, लेखिका ने अपनी यात्रा की शुरुआत की है गैंगटॉक से, कहाँ से गैंगटॉक से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है युमथांग, कौन सा शहर है युमथांग, युमथांग में जाने से पूर्व एक पर्यटक स्थल आता है या एक ऐतिहासिक स्थान आता है जिसका नाम है कवी लॉन्ग स्ट्रो, क्या नाम है कवि लॉन्ग स्ट्रो। उसके बाद लेखिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पहाड़ और ऊंचे होते जाते हैं, झरने आने लग जाते हैं, क्या क्या देखती है, झरना कौन सा आता है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, कौन सा सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ये झरना आता है, जलप्रपात आते हैं, प्रियुता और उटानेश्वर के फूल आते हैं, इसके अलावा धूपी और पाइन गजराए के पौधे आते हैं, अलावा इसके लेखिका किस नदी के साथ आगे बढ़ती है, तिस्ता नदी के साथ आगे बढ़ती है, जो नदी के साथ कहाँ से चल रही है सिलीगुड़ी से चल रही है, इसका चरम सौंदर्य अर्थात पराकाष्ठा पर कहाँ पर है, वो पराकाष्ठा पर है युमथांग के आसपास। लेखिका तिस्ता नदी की बहती जलधारा में अपने पांव रखती है, उसे क्या फील होता है, मन वृंदावन हो रहा होता है,
क्या सोचती है कि कुछ संकल्प करूं, क्या संकल्प करूं, किसी प्रकार के संकल्प की स्थिति में नहीं होती है। और वो क्या सोचती है कि इन पहाड़ों का, इन झरनों का, इन नदियों का हमारे ऊपर कितना ऋण है, और मनुष्य ने प्रकृति का नुकसान करके अक्षम में अपराध किया है। उसके बाद लेखिका की यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ता है, युद्धखान आ जाता है, और युद्धखान के बाद कटाव आता है। कटाव जहाँ स्नोफॉल होता है, बर्फबारी लेखिका को मिलती है, काफ़ी सुंदर है। कटाव की तुलना भारत के स्विट्जरलैंड से की गई है, और जब भारत के स्विट्जरलैंड से कटाव की तुलना की तो बड़े ने इसका प्रतिवाद किया और क्या कहा कि नहीं, कटाव की तुलना में स्विस इतना सुंदर नहीं है जितना कटाव है, क्योंकि स्विस न तो इतनी अधिक ऊंचाई पर है और न अधिक इतना सुंदर है। ये बातें लेखिका कहती है कटाव में। और लेखिका ने कहा है कि ब्रह्मांड में कितना कुछ एक साथ घटित हो रहा था, ये मुझे आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार से आपको ये यात्रा वृत्तांत अपने दिमाग में क्रमशः याद रखना है और पढ़ते रहना है।